छोले किसे नहीं पसंद है। छोले की रेसिपी ही एक ऐसी रेसिपी है जिसे सब कोई पसंद करता है। इसका कॉम्बिनेशन भटूरे के साथ तो है ही, साथ में पूरी, पराठे, चावल, पुलाव, यहाँ तक कि इसका चाट हो या पानी पूरी के मसाले, दोनों बहुत टेस्टी लगते हैं। छोला बनाना मुश्किल नहीं है बल्कि बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। हम हलवाई के जैसा कलर, फ्लेवर और स्वाद लाएंगे और इसे 20 मिनट में बना के तैयार करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर ले लिए हैं 250 ग्राम काबुली चना, इसे पूरी रात हम पानी में भिगोए हुए हैं। कभी भी 2 से 3 घंटा पानी में भिगोए हुए काबुली चना का यूज नहीं करें, यह पहला टिप्स है, क्योंकि काबुली चना अच्छे से नहीं पकेगी। यहाँ मसाले में ले लिए हैं 2 प्याज, इसे रफली काट लिए हैं, 2 टमाटर, उसे भी रफली काटे हैं, 20 से 25 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 4 हरी मिर्च। अब इन सभी कच्चे मसालों को हमें एक साथ ही पीस लेनी है। इससे क्या होगा, हमारे समय की भी बचत होगी और हमारे मसाले भूनने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसे दरदरा नहीं, पूरी बारीक पीस लेते हैं। देखिए, इसे हम पूरी तरह से बारीक पीस करके एक ही साथ तैयार कर लें। यहाँ गैस ऑन कर दिए हैं, उस पर रख दिए हैं कुकर। कुकर गर्म हो रहा है, अब इसमें डालते हैं 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। छोले में थोड़ा सा तेल ज़्यादा ही लगता है और यह टेस्टी बनता है सरसों के तेल में। अगर आप जो कुकिंग ऑयल यूज करते हैं आप वही डालें। अब तड़के में 2 तेज पत्ते डाल देते हैं, 1/2 चम्मच जीरा, 2 छोटी इलायची, 1.5 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 1 जावित्री का फूल ले लिए हैं। आपके पास में जो गरम मसाले हैं वही डालें। अब यहाँ पर 2 बड़ी इलायची और 5 से 6 लौंग, इसे हमें पीस के डालनी है, तो इसे अभी तड़के में यूज नहीं करेंगे। तड़का को थोड़ा सा चला देते हैं, अब यह चटक चुका है। अब इसमें यह जो कच्चा पेस्ट बना के रखे थे उसे डाल देते हैं और पेस्ट डालते वक्त गैस का फ्लेम लो कर दिए हैं, नहीं तो आप पर छींटे पड़ेंगे। अब इसे चलाते हुए थोड़ी देर पकाते हैं, 2 से 3। प्याज टमाटर दोनों का जो है थोड़ा सा भूनना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो यह टेस्ट बिगाड़ देता है। अब यहाँ पर डालते हैं सूखी मसाले, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। अब यहाँ पर दूसरा टिप्स, नमक हम इसलिए यहाँ पर डाल दिए क्योंकि टमाटर हो, प्याज हो या लहसुन, सभी पानी छोड़ते हैं और सभी में कच्चापन का स्वाद रहता है, तो वह पानी निकालने में मदद करता है और मसाले परफेक्ट भुने जाते हैं। अब यहाँ पर डाल दिए छोले मसाले 1.5 चम्मच, अगर आपके पास में नहीं है तो आप यहाँ पर 1/2 चम्मच चिकन मसाले और 1/2 चम्मच गरम मसाले मिला करके डाल दीजिए और थोड़ा सा पानी डाल करके पुनः फिर से चला दीजिए और ढक करके इसे 1 मिनट पका लीजिए। अब ढक्कन खोलते हैं तो देखिए इसमें से हल्का हल्का तेल छोड़ने लगा है, तो एक बार फिर से वापस चला देते हैं। अब इसमें डाल देते हैं काबुली चने और इसे अच्छी तरह से मिला देते हैं। अच्छी तरह से चलाते हुए 1 मिनट तक भून लेते हैं और उसके बाद इसे ढक देते हैं। ढक करके इसे लो फ्लेम पर हमें 2 मिनट तक पका लेनी है, जिससे क्या होगा, मसाले भी अच्छी तरह से भुने जाएंगे और साथ में काबुली चना भी भुना जाएगा। इसका भी कच्चापन थोड़ा सा निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो यह मसाले से लेकर के काबुली चने तक की प्रोसेस में हमें 10 मिनट लगी। वापस फिर से ढक्कन हटाते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं लौंग इलायची का पेस्ट, जिसे हम पीस करके रखे थे, और यहाँ ग्रेवी के लिए पानी। तो पानी हम यहाँ ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, वैसे छोले का ग्रेवी जो है थोड़ा सा तीखी अच्छी लगती है। यहाँ पर हम 1.5 गिलास पानी का यूज किया, आप अपने कावली के हिसाब से ही पानी डालें। 1/2 चम्मच यहाँ पर डाल दिए हैं मीठा सोडा, यह जादू का काम करेगा, बहुत कम समय में पूरी तरह से कावली को गला के रख देगा। यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर हम कुकर में 1 सीटी लगा दिए हैं और पूरी तरह से कुकर को ठंडा होने दिए और खोल के देखिए तो यह कितना परफेक्ट और लाजवाब छोला बनके तैयार हो गया है। देखने में कितनी अच्छी लग रही है और ना ही इसमें टी बैग डालने का कोई प्रॉब्लम, ना ही टी पानी डालने का कोई प्रॉब्लम, और पूरी तरह से जो है छोला बनके तैयार हो गया है। और देखिए इसे मसल के देखते हैं तो परफेक्ट कावली पक के तैयार हो गया है और ग्रेवी भी पूरी थिक है, जिस तरह से छोले में रहनी चाहिए उसी तरह की बनके तैयार हो गई। यह छोले एकदम परफेक्ट हलवाई की जैसे बनी हुई है। इसका कलर, फ्लेवर और स्वाद तीनों बेहतर है और बहुत कम समय में, लगभग 20 मिनट में यह छोला बनके तैयार हो गया। और इसे स्पाइसी बनाने के लिए थोड़ा सा 1 चम्मच घी गर्म कीजिए, उसमें 2 हरी मिर्च का तड़का इसमें लगा दीजिए और यह स्पेशल बनके तैयार हो जाएगा। तो यह रेसिपी कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर के साथ कमेंट जरूर। मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।